respected judges and my dear friends. Hello, I am Krish Parekh, a student of grade 9 of Koh-i-Noor International School. I am here to present a stand-up comedy of Ehsan Qureshi. लोग भीड़ लगाते हैं पूछते बेटा कहाँ से आए हो। मैं उनको बताता हूँ बाल प्रदेश से। बोले बाल प्रदेश में देखने लायक क्या क्या चीजें हैं। मैं उनको बताता हूँ खटारा बसे। बोले देखने लायक मैंने कहा आपके यहाँ चलती हमारे यहाँ होती है। चल गई तो चल गई नहीं तो खड़ी है। मंगलवार को लगती है बुधवार को छूटती है। कंडक्टर एक दिन बस के सामने खड़े होकर आवाज लगा रहा था रामपुर चलो रामपुर चलो रामपुर चलो रामपुर चलो। मैंने कहा कंडक्टर साहब ये बस कहाँ जा रही है। बोले रामपुर। मैंने कहा बोर्ड तो पालनपुर का लगा है। बोले तू बोर्ड में बैठ के जाएगा कि बस में। मैंने कहा मुझे बस में ही जाना है। अब तू मुंबई का भी बोर्ड लगा तो भी मैं रामपुर ही जाऊंगा। मैं टिकट कटा और बीच में बैठा। दाए में एक दादाजी बैठे। मैंने कहा दादा कहाँ। बोले रामपुर। मैंने बायवाल से पूछा दादा आप। बोले पालनपुर। मैंने ड्राइवर से कंप्लेंट किया कि रामपुर भी अंदर भर रहे हो पालनपुर भी अंदर। ड्राइवर बोला चुपचाप बैठ जाओ गाड़ी छूटते समय पैसेंजर्स गिनेंगे जहां के ज्यादा होंगे बस वही जाएगी। बाल प्रदेश की ये खटारा बस 4 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चली। बाल प्रदेश की एक खटारा बस 4 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चली। हमने कारण पूछा तो बोले दुर्घटना से देर भली। हमने कारण पूछा तो बोले दुर्घटना से देर भली। 5 बार बस रुकी। मैंने कंडक्टर से पूछा बार बार क्यों रुकती है। बोले भाई साहब एक भैंस परेशान कर रही है। मैंने कहा भैंस तेज चल रही है कि बस। बोले अभी तो भैंस ही तेज चल रही है। मैंने कहा जब इतनी ही धीरे जा रही है एसटीडीपी से दिख रहा है। मैं फोन करके आता हूँ मैं दौड़ के पकड़ लूंगा। बोले दौड़ के नहीं आना नहीं तो आगे वाली में बैठ जाओगी। बिना कांच की खिड़कियां और बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। बिना कांच की खिड़कियां और बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। केवल हॉर्न छोड़ के पूरी बस बज रही थी। हमने ड्राइवर साहब से पूछा माइलोमीटर नहीं है स्पीड का काटा नहीं है स्पीड का पता कैसे करोगे। बोले भाई साहब बहुत आसान है जब स्टीयरिंग हिलने लगे तो समझना 20 पे स्टीयरिंग के साथ मैं हिलने लगू तो 40 पे और पूरी बस हिलने लगे तो 60। मैंने कहा इसके आगे दूसरे दिन अखबार में छप जाता है। एक पाजी बैठे हुए पापा जी बोले बेटा ब्रेक फेल हो जाने पर क्या करता है। ओए पुत्र ब्रेक फेल हो जाने पर क्या करता है। ड्राइवर बोला अंकल आप खामा का क्यों डरता है। अंकल आपकी यही बात सबसे ज्यादा खल रही है कि सरकारी बस पिछले 5 साल से बिना ब्रेक के चल रही है।